खुदाया अपने बच्चों को गाड़ियाँ देने से पहले उनको सिखाएं कि चलानी कैसे है। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ना दें। मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये बाजा बजाते हुए, बहुत प्यारा लग रहा है। देखें जरा, यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खा खाइद के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और सुबह सुबह हमारे घर जो गेस्ट आ गए, तो आज की रूटीन जो थी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हिब्बा माशाल्लाह आज बहुत खुश है क्योंकि हिब्बा की फ्रेंड आई हुई है और खेल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह खेल रहे हैं वो, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है माशाल्लाह। नहीं दीदी आयशा, नहीं बा आयशा नहीं दीदी, हॉर्स के टीथ ब्रश कर दें, हिब्बा हॉर्स के टीथ ब्रश कर दें। देखिए सुबह सुबह हिब्बा की फ्रेंड आ गई है। सुबह 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 नहीं, शाम शाम। ओए ओए, हिब्बा स्लीपर्स पहने पहने स्लीपर। और ये देखिए सर, ये हमारा लड़ाका तैयार है। आशा इतनी लड़ाइयाँ कैसे कर लेती हो? कहाँ से सीखी है? मम्मा तो आपकी लड़ती नहीं लगता है, पापा पे चली गई हो। आशा पापा पे चली गई हो? जाओ जाओ जाओ, कैसे? अब मम्मा बजा के दिखाएं कैसे बजाते हैं। ये लो पुह, जोर से जोर से पुह, ओए ओए जोर से जोर से, ओए 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 ओए, आ गया इन बच्चे को। ओए 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 ओए, जोर से हिब्बा भी अब 14 अगस्त पे बाजे बजाएगी। हिब्बा को बाजा बजाना आ गया, मम्मा ने सिखा दिया। तेन तेरा ओए 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 ओए, इसे वीडियो में फर्स्ट टाइम बजाए, इससे पहले इसको ट्राई करा दी नहीं बजा है। देखिए जरा वीडियो ऐसी लकी साबित, इसको आ गया है ये वाला बेबी। ओए 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 ओए, मेरा बड़ा दिल करता है छोटा सा, सबसे छोटा साइज का बाजा लिया मैंने इसके लिए कि सब बच्चे बजाते हैं, चलो मैं अपने बच्चे के लिए भी ले लूँ। मम्मा ने आज आपका 14 अगस्त का सूट भी स्टिच करना है। वही देखें, कल जो मग लाई थी इसमें चाय कितनी प्यारी लग रही है। चाय, हाँ जी नन्ना का, ये मम्मा का, देखें ये थोड़ा सा ऊपर है ना, ये मम्मा का, ये नन्ना का, ये नाना का, और ये खा खा का। खा खा करने का तो मैंने थोड़ी सी चाय पीनी है, ठीक है? हाँ खा खा का, इसलिए खा खा का चाय में स्पून है कि खा खा ने थोड़ी सी चीनी भी पीनी है ना, हमने तो बगैर चीनी की पीनी है इस वजह से। खा खा का क्यों? अच्छा बेबी नहीं, ऐसे नहीं करते ना, फिर स्टेयर चढ़, ऐसे नहीं करते, नीचे आए। हिब्बा चीची नहीं जाना, नहीं। हाँ जी हाँ जी, हाय कर दे, हाय कर दे और नीचे आ जाए। बस के लिए जान के तोते। हिब्बा आपकी हैंड वहां पे नहीं जाते ना बेबी, वो आपने लास्ट में इधर से पकड़ा था, इधर से, इधर से, ये नीचे वाला, वो ये नीचे वाला रॉड। हाँ ऐसे,
नहीं जा ना जी मम्मा पास, मम्मा पास जा। ओए ओए ऊपर है चले आए नीचे। हिबा हिबा अब दरवाजा भी खोलेंगे क्या? आओ मेरा बेबी। हाँ जी माँ भेज दें। ये देखें सर इस टाइम पे हम रात को जा रहे हैं हॉस्पिटल, कज़न का एक्सीडेंट हुआ है उधर की खैरियत दरियाफ्त करने। 11 बजे का टाइम है और जा रहे हैं। ये देखें सर 14 अगस्त के लिए हॉस्पिटल पे भी लाइट्स लगी हुई हैं 14 अगस्त की। हाँ जी हाँ जी हम जा रहे हैं, हम कार्ट में जा रहे हैं। हिबा बता रही है, हिबा को इतनी खुशी होती है ना गाड़ी पे आने की, उसको इतना शौक है बस जब भी गाड़ी पे जाए तो यही कहती है कि काट काट। जलोर हॉस्पिटल में जा रहे हैं हम लाहौर। एमरजेंसी वाला जाना चाहता? हाँ जी एमरजेंसी में। देख मम्मी है वैसे कुछ पता नहीं एमरजेंसी कितनी है। हम यहाँ निकले नहीं, पार्किंग से बहुत ज़्यादा चल के आना पड़ेगा। देखें ज़रा ये पार्किंग है, वेट कर रहे हैं गाड़ी का, गाड़ी आए तो फिर हम भी निकले यहाँ से। बहुत टाइम हो गया, 12 बज गए तकरीबन और फिर हम भी निकले यहाँ से। बाकी डिटेल्स आपको घर जाके देती हूँ। यहाँ पे हिबा सो गई है तो मैं अपना व्लॉग एंड करने के लिए बाहर आई हूँ कि हिबा डिस्टर्ब ना हो। और आज हॉस्पिटल गए थे, अचानक ही बैठी हुई थी, मेरी फ्रेंड आई हुई थी, सिस्टर आई हुई थी, बैठे बैठे एकदम से भाभी की कॉल आती है, कज़न की वाइफ है, उनकी कॉल आती है और पता चलता है कि जी कज़न का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे खाल ताया जान के बेटे हैं और माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं, मेरी अम्मी की एज फैलो है, अम्मी से 1 साल छोटे हैं। तो एक ही बेटे मेरे ताया अबू का और बाकी उनकी बहनें हैं 10। बेचारों का एक्सीडेंट होता है, अपनी ड्यूटी पे होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हैं और अपनी ड्यूटी पे होते हैं और गाड़ी पे एक्सीडेंट होता है जो ऑपोजिट रोड की साइड है ना, मतलब इस साइड से गाड़ी आती है और वो बच्चे होते हैं जो ड्राइव कर रहे होते हैं, फुटपाथ से वो क्रॉस करती है और यहाँ पे उनकी गाड़ी जा रही होती है, उसके अंदर आके लगती है और इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि दोनों टांगे फ्रैक्चर है और एक नहीं कि एक एक पॉइंट फ्रैक्चर है, 2-3 जगह से मतलब टूटे हो गई है टांगे, बाजू फ्रैक्चर है, कान के पीछे सर के पीछे चोट, ब्लीडिंग यहाँ पे भी पट्टियाँ हुई हुई थी उनको, और सिर्फ फ्रैक्चर नहीं है ज़ख्मी, ऊपर फुल छीली पड़ी हैं टांगे। उनके साथ उनका एक और कोलीग था, उनके उसके पाँव का कीमा हो गया है और उसको तो डॉक्टर्स ने रेफ़र कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में, यहाँ पे उन्होंने केस नहीं दिया क्योंकि उसका केस बहुत ख़राब था, उसकी हड्डियाँ बाहर आ गई थी। अल्लाह पाक माफ़ करे, बच्चों को गाड़ियाँ देने से पहले सोचें कि आप मौत के, बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, उनको वो तो मार के खुद निकल के भाग गए गाड़ी वहाँ पर छोड़ के, और नुकसान किसका हुआ? किसी का बाप जाएगा, किसी का भाई जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुदाया अपने बच्चों को गाड़ियाँ देने से पहले उनको सिखाएं कि चलानी कैसे है। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ना दें, चलानी कैसे है, क्या तरीका है, कितनी स्पीड रखनी है, ये बच्चों को सिखाना माँ बाप का काम है। आप जब बाहर निकलते हैं सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी एक रिस्क पे लेके नहीं जाते, दूसरों की ज़िंदगियाँ भी आपके साथ जुड़ी होती हैं, मतलब अगर आप गलत ड्राइव करेंगे, एक्सीडेंट करेंगे, आपको भी नुकसान होगा, नेक्स्ट पर्सन को भी नुकसान होगा। तो बेहतर तरीका ये है कि बच्चों को चीज़ें ना दी जाएँ जब तक बच्चे में चोर नहीं होते, बच्चों को पता नहीं होता अच्छे बुरे का। बच्चे आजकल के लड़के हैं, उनको अंदर जोश होता है चलाने का, स्पीड पकड़ लेनी है, पता नहीं चलना कहाँ चलनी कहाँ नहीं। अब वो फुटपाथ के ऊपर से चढ़ा के दूसरी साइड पर आया है कि मतलब इतनी रश ड्राइविंग की है कि अगले बंदे की जान पे खेल के, वो तो अल्लाह पाक का खास करम हुआ कि
हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई हैं और बुरे तरीके से हुई हैं, ऑपरेशन उनका और रॉड डलने हैं, बहुत बुरी कंडीशन थी, देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये कि आपकी गलती की वजह से, वो भी किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का शोहर है, मतलब एक फैमिली, पूरे फैमिली का सरबरा है। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती, अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी है उनको, कि इतनी बुरा हालत के थे, गाड़ी की गाड़ी बिल्कुल फिस गई है। और वो बंदे जो छोड़ के भागे गाड़ी अपनी, अपनी गलती मानने की बजाय कहते हैं हमारे मौके पे 3 लोग हलाक हो गए। पुलिस ने कहा दिखाओ अपनी लाशें, दिखाओ कौन से 3 लोग हलाक हुए। मतलब इंसानियत नहीं है, अपने आप को बचाना है और अपनी गलती नहीं माननी कि हमारे हुए, गलत आप आए हो, गलती आपकी, फिर भी ऐसे करनी है। अल्लाह पाक सबको हदायत दे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कोई भी मतलब सब अपने रिस्क कमाने के लिए जाते हैं, और जब जाते हैं किसी को ये नहीं पता होता हम वापस घर आएंगे नहीं आएंगे, हमारे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबको खैर खैरियत के साथ रखे। बहुत दिल दुखी है, बहुत टेंशन है, शुगर पेशेंट भी हैं, इसकी भी ज़्यादा टेंशन है। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर से मिलती हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और काइंडली जो देख रहे हैं मुझे सुन रहे हैं, बच्चों को मौत ना दें, मतलब बच्चों को रोड पर ना निकालें, गाड़ी बाइक वगैरह जब तक वो मेच्योर नहीं होते, उनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता, उनको बताएं कितनी स्पीड रखनी है। तो ये सब कुछ सिखाना माँ बाप का फ़र्ज़ है। तो खुदाया अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, सब कुछ सिखाएं, ताकि ना आपके बच्चों का नुकसान हो ना किसी और का नुकसान हो। तो अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला कल एक न्यू व्लॉग के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।